अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ नए आलू की रेसिपी शेयर करूंगी। मैंने छोटे छोटे आलू लिए ताकि ये अच्छी तरह से नमक के अंदर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएं। इनको मैंने वॉश कर लिया अच्छी तरह से। इनके ऊपर मिट्टी बहुत होती है, इसको बहुत अच्छी तरह से वॉश करना है ताकि इसके अंदर से मिट्टी बिल्कुल साफ़ हो जाए। और फिर इसको मैंने धोने के बाद खुश्क कर लिया है। एक पैन में मैंने नमक ले लिया है, इसको मैंने गर्म कर लिया है। अब इसके अंदर ये मैं आलू डाल दूँगी। अब मैं इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे इसे मिक्स करते हुए भून लूँगी। इस मौसम में नए आलू आना शुरू हो जाते हैं और ये छोटे बड़े हर साइज़ के मिल रहे होते हैं। इसको आप नमक में भून के खाएं, ये बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। इसे मैं थोड़ी देर कवर कर दूँगी ताकि आलू हमारे जल्दी सॉफ्ट हो जाएं। कवर करके बनाने से ये होगा कि हमारे आलू जो है जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे। इसे मैं चेक करती हूँ, चेक करके देख लेते हैं कि हमारा आलू सॉफ्ट हुआ है या नहीं हुआ है। अभी आलू सॉफ्ट नहीं हुए, अभी आधे कच्चे हैं और आधे पक गए हैं। इन्हें मुझे और भूनना है। अभी इसे मैं दोबारा कवर कर दूंगी। इसे खोल के चेक करते हैं, स्टिक से चेक कर लूंगी। आलू हमारे बिल्कुल अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं। देखें बिल्कुल आसानी से स्टिक हमारी अंदर जा रही है। ये देखें बिल्कुल आसानी के साथ स्टिक अंदर चली गई है। आलू हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं, इसे हम निकाल लेंगे। अब अगर आप इसे ढक कवर करके पकाएंगे तो ये जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे। अगर आप इसको खोल के भी बना सकते हैं लेकिन उसमें टाइम लगेगा थोड़ा। इसे आप ज़रूर बनाइएगा, ये बहुत ही मज़ेदार होते हैं। इस आलू को छील के भी खा सकते हैं। और इसे काट के मसाला छिड़क के भी खा सकते हैं। इस पे थोड़ा चाट मसाला छिड़क लें। इस पे मैंने चाट मसाला छिड़क दिया है। आप दोनों तरीके से खा सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। ये सिंपल इस तरह भी इसको खाएंगे तो बहुत अच्छा लगता है। और मैंने चाट मसाला डाला है, आप उसके अलावा भी कोई मसाला अपनी पसंद का छिड़क के खा सकते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।